हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैगरी जामुन बनाएंगे। जैगरी जामुन गरम गरम सर्दी के मौसम में इज अ ट्रीट टू द टंग। लेट्स सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, कार्डमम पाउडर आल्सो नोन एज इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, 15 ml 1 tablespoon मिल्क, मैदा 90 grams, खोया मावा 250 grams, एंड फॉर द पर्पस ऑफ चाशनी वी आर यूजिंग जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर, दैट इज 500 grams। अब हम इसको अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसका डो बनाएंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। मिल्क हम सबसे बाद में ऐड करेंगे। हमने डो तैयार कर लिया है, अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। ये हमारा अब डो तैयार हो गया। देखिए, अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज जैसा आपको पसंद है, छोटे बड़े या तोशे वाली शेप में आप वैसे भी कर सकते हैं, किंतु ये हमने बॉल्स बना ली हैं। अब इसको हीट करने के लिए हमने ऑयल रख दिया है और चाशनी के लिए हमने गुड़ लिया है 500 ग्राम्स। जितना गुड़ लेना है उसका हाफ वाटर, इसमें हाफ वाटर कर देंगे और इसको स्टिर करते हुए इसकी चाशनी बनने तक इसको पकाएंगे। हमारी चाशनी बन के रेडी है। अब हम इसे कूल होने के लिए रख देंगे और हमारा तेल भी गर्म है। अब इसमें हम एक एक करके इसे तलेंगे। धीमी आंच पे तल सकते हैं क्योंकि तेल अभी गर्म ही है। इनको हम पलट पलट के सेकेंगे लाइट ब्राउन से थोड़े से डार्क ब्राउन होने तक। ये 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से सिक जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन हो रहे हैं। मैं इसको उलट उलट कर सेकेंगे और फिर इसको बाहर निकाल के रखेंगे। ये हमारे गुलाब जामुन अब फ्राई होके रेडी है और ये हमारी गुड़ की चाशनी भी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें करीब 15 मिनट इसको इसके अंदर डिप करके रखेंगे। ये हमें 15 मिनट हो गए हैं। देखिए, अच्छे से साइज इनका बड़ा हो गया है। ये हमारे घर के बने हुए जैगरी जामुन तैयार हैं।